फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब शंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में एक और नई भर्ती निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है, यहाँ पे दे दिया गया। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मोर में चले जाना। मोर में आने का होता है, यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट और सिविलियन वैकेंसी 11 मार्च 2022, मतलब आज ही अपडेट किया गया इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ से क्लिक करें, डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे जॉब संगले ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो। ये आप देख रहे हैं जॉब संगले ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे दे दिया गया है इंडियन आर्मी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022 पे आप क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप नीचे आ जाना। लेटेस्ट जॉब में दे दिया गया है, आप देख रहे हो लेटेस्ट जॉब इंडियन आर्मी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022 पे आप क्लिक दे। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा, आप देख रहे हो 11 मार्च 2022 को अपडेट किया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ने, मतलब आज ही द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर से भर्ती निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो लेटेस्ट अपडेट्स 11 मार्च 2022 को अपडेट किया। पोस्ट नेम देख रहे हो कुक, टेलर, बारबार, रेंज, चौकीदार एंड सफाई वाला का भर्ती रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर डिफेंस से भर्ती रहने वाला, सिविलियन पोस्ट रहने वाला। फ्रेंड्स, इसमें आपको वर्दी नहीं मिलेगा, सिविलियन पोस्ट सिविलियन कपड़े में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर जबलपुर कुक के अंदर पोस्ट 2022 देख रहे हो। इंपोर्टेंस डेट देख रहे हो, एप्लीकेशन स्टार्ट 12 मार्च 2022, मतलब कल से इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाला 11/4/2022, ठीक है। फ्रेंड्स, अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्म ही करना है। एप्लीकेशन फी आप देख रहे हो इसमें नहीं लगेगा। एज लिमिट देख रहे हैं, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। एज रिडक्शन आपको छूट मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए छूट दिया जाए, ठीक है। पे स्केल देख रहे हो फ्रेंड्स, फॉर कुक के लिए 2 रहने वाला, ₹19,900 प्लस मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर टेलर के लिए देख रहे हैं, बार चौकीदार एंड सफाई वाला के लिए लेवल 1 में आता है, ₹18,000 प्लस आपको पे मिलेगा। वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट में 14 पोस्ट ही रहने वाला है। पोस्ट नेम देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुक में जनरल 3 पोस्ट दिया गया, ओबीसी में 1 पोस्ट दिया गया, एससी में 1 पोस्ट दिया गया, एसटी में 1 पोस्ट दिया गया, सर्विस में 1 पोस्ट दिया गया और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट दिया गया। टोटल इसमें 9 पोस्ट ही रहने वाला, ठीक है, कुक में। और टेलर में देख रहे हो फ्रेंड्स, टेलर में ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। बारबार में देख रहे हो एसटी में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला, ठीक है। रेंज चौकीदार में देख रहे हो फ्रेंड्स, ओबीसी में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। सफाई वाला में देख रहे हो फ्रेंड्स, जनरल में 1 पोस्ट दिया गया और फिजिकल हैंडीकैप में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल इसमें 2 पोस्ट ही रहने वाला, ठीक है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख रहे हो फ्रेंड्स, कुक में 9 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए और खाना बनाने का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टेलर में देख रहे हो 1 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए, इसमें आईटीआई पास सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। टेलर से बार में देख रहे हो 1 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए और डिजायरेबल देख रहे हो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। रेंज चौकीदार में देख रहे हो 1 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। सफाई वाला में देख रहे हो फ्रेंड्स, में 2 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए इसमें और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक देना पड़ेगा जो एक सर्विस में है उसके लिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और 1 सेल्फ एडेड एनवेलप अंदर में पोस्टल स्टैंप लगा के ₹25 का लगाना पड़ेगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ एड्रेस से करके भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू इस एड्रेस में आपको भेज देना है। ये आप देख रहे हैं टू द कमांडर्स ग्रेनेडर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी पिन 482001 पे आपको भेज देना है, रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के थ्रू। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टॉप में एनवेलप में आपको लिखना पड़ेगा, इन कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ टेस्ट, लोकेशन आपका टेस्ट ग्रेनेडर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी में होगा, ठीक है। इंपोर्टेंट लिंक देख रहे हैं फ्रेंड, डेट ऑफ पब्लिश आज का ही अपडेट किया गया है 11 मार्च 2022 को, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। इसका ऑफलाइन फॉर्म भी आ चुका है हमारे पास, यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नोटिफिकेशन भी यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो यहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो यहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट रहने वाला 11 अप्रैल 2022, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला फ्रेंड्स, टोटल 5 पेज का ही नोटिफिकेशन रहने वाला फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, आपको कोई डाउट न हो बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन रहने वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला, ये 3 पेज का फॉर्म है, आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर फ्रेंड्स। ओरिजिनल फॉर्म है, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, हमारे जॉब संग्रह ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता चुका है, ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कुछ मतलब दिक्कत आता होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मुझे फॉर्म फिलअप करके बता दो सर, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना था कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिटेल्स रहने वाला मैं आपको बता चुका हूँ। और ये militaryभर्ती.com न्यू वेबसाइट है हमारा, यहाँ पे भी दे दिया गया, यहाँ से भी जाकर डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन की सबसे पहले फॉर्म जॉब संग्रह ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाता है, आप वहाँ से जाकर आप डिटेल्स देख सकते हो। सबसे
पहले भर्ती आ जाता है फ्रेंड्स। अभी अपकमिंग जॉब में ये सब आने वाला भर्ती, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100% रियली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप मत समझिएगा कि फेक वेबसाइट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है कमेंट से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ये सिविलियन पोस्ट रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट दे चुका है, आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे दे दिएगा ऐसे जगह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, ऐसे नहीं भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।